8.15 मस्तिष्क और उसकी भूमिका स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। हमारे शरीर में होने वाली अधिकांश क्रियाओं में मस्तिष्क की प्रमुख भूमिका होती है। मस्तिष्क के अलग अलग भाग से अलग अलग क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक आजकल उसके सूक्ष्म काट लेकर परीक्षण करते हैं। अक्सर मस्तिष्क के तीन भाग अग्र, मध्य और पश्च के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं, पर मध्य और पश्च तथा अग्र और मध्य भागों के कार्यों में कई समानताएं हैं। अतः मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क के निचले भाग से सांस लेने, निगलने, शरीर के तापमान का नियंत्रण जैसे कार्य होते हैं, जबकि ऊपरी भाग से देखने, सुनने, सूंघने, तर्क करने, स्मरण रखने आदि कार्यों का नियंत्रण होता है। यह भाग अन्य जीवों की तुलना में मनुष्यों में अधिक विकसित है। मस्तिष्क मेरुरज्जु द्वारा संचालित अनैच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है। जैसे जब आप चलते हैं तो आपके हाथ आपके कदमों के साथ अनैच्छिक रूप से एक विशेष तारतम्यता से चलते हैं। आप जब मार्च पास्ट सीख कर रहे होते हैं तब आपके कदम और हाथ की स्थिति आपकी इच्छा के अनुसार होती है, अर्थात यह एक ऐच्छिक क्रिया है। ऐसी सभी ऐच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा संचालित हैं। अतः जब हम सतर्क होकर कोई कार्य करते हैं तब वह कार्य मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं भी मस्तिष्क द्वारा संचालित होती हैं, जैसे आंखों पर तेज रोशनी पड़ने से पुतली का सिकुड़ना। क्या आप जानते हैं हमारे हृदय में तंत्रिकाओं का एक ऐसा जाल है जिससे हृदय का धड़कना नियंत्रित रूप से चलता रहता है। मस्तिष्क से सूचनाएं मिलना बंद हो जाए तब भी यह कुछ समय तक हृदय के कार्य को संचालित कर सकता है। आप अपने दिन भर के कार्यों में से ऐच्छिक क्रियाओं की सूची बनाइए, उनमें से किसी एक क्रिया से संबंधित अंगों की भी सूची बनाइए। जब मस्तिष्क का ऊपरी भाग ठीक से काम करता है तो वह निम्नलिखित तीन में से कोई एक भूमिका निभा सकता है। पहला, वह उन क्रियाओं को रोक सकता है जिन्हें नीचे वाला भाग तथा मेरुरज्जु करता है। दूसरा, वह उन्हें नियंत्रित ढंग से चला सकता है। तीसरा, मेरुरज्जु के नियंत्रण के बिना ही सीधे मांसपेशियों की क्रियाओं को संचालित कर सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अक्सर मस्तिष्क के अधिकांश बाएं भाग से हमारे शरीर के दाएं भाग के अधिकांश कार्यों का नियंत्रण होता है। ठीक इसी तरह मस्तिष्क के दाएं भाग से शरीर के बाएं भाग के कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर के दोनों भागों से मस्तिष्क तक पहुंचने वाली सूचनाओं से संबंधित प्रतिक्रियाएं मिले जुले रूप में व्यक्त होती हैं। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास करें। क्रियाकलाप तीन, चित्र के अनुसार अपनी दोनों हथेलियों की तर्जनी अंगुलियों को आमने सामने की ओर एक सीध में लाएं। पहले दोनों हथेलियों को एक साथ घड़ी की दिशा में घुमाएं और फिर एक को घड़ी की दिशा में तो एक को इसके ठीक विपरीत दिशा में साथ साथ घुमाएं। फिर एक हथेली को रोककर दूसरी को घुमाएं। हथेलियों को साथ साथ घुमाना आसान था या विपरीत दिशा में? ऐसा क्यों हुआ होगा? जब आप दोनों हथेलियों को साथ साथ घुमा रहे थे तब इनसे संबंधित सूचनाओं की मस्तिष्क के भागों से मिलीजुली प्रतिक्रिया आपके हाथों पर काम कर रही थी। एक हथेली को रोककर दूसरे को घुमाना भी आसान क्यों लगा? जब आप चलते हैं तो आपके दाहिने पैर के आगे बढ़ने से आपका कौन सा हाथ आगे बढ़ता है और क्यों?